यस अपेंडिकुलर स्केलेटल, ये सेकंड पार्ट है इसी वीडियो का, सेम का। नंबर वन है अपर लिम्स एंड नंबर टू है लोअर लिम्स। बच्चों अपर लिम्स हमारी हमारी हैंड्स यानी कि बॉटम पार्ट से ऊपर का जो हमारे बॉडी एरिया है यानी कि हाथों का जो एरिया है उसमें हमारी 64 बोन्स होती हैं और लोअर लिम्स में हमारी 62 यानी कि ये तो है हमारा अपर लिम्स जिसमें हमारे हाथ शामिल है और ये है लोअर लिम्स में हमारी नीचे वाला हिस्सा है। ठीक है, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। तो स्केलेटल को दो भागों में डिवाइड किया हमने, स्केलेट एक्सियल स्केलेटल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल, इसमें ये बोन्स आती हैं और इसके अंदर अपर लिम्स और लोअर लिम्स की बोन्स आती हैं। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ द बोन्स, काम क्या है, मीन हड्डियों के काम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स है हमारे स्केलेटल के। किस तरह से, नंबर वन प्रोवाइड सपोर्ट, बोन्स आर द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ सपोर्ट यानी कि इनका जो मेन उद्देश्य है वो मेन काम जो है सिद्धांत है वो है सपोर्ट करना, दे सपोर्ट द होल बॉडी, बोन्स हमें पूरी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नंबर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, बोन्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ सम ऑफ द सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी सच एज स्कल एंड पेल्विक। ठीक है, जैसे पेल्विक और स्कल है, खोपड़ी है हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को, पेल्विक हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को सपोर्ट प्रोवाइड करती है एंड हार्ट को भी हमारे प्रोवाइड करती है हमारी बोन्स। राइट, बोनी सिस्टम सर्व फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स, बोनी सिस्टम प्रोवाइड करता है सरफेस ऑफ द अटैचमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स को एंड बोनी फ्रेमवर्क सपोर्ट अटैचमेंट द सॉफ्ट पार्ट, मेंटेन द राइट पोजिशन, उनको राइट पोजिशन में रखने में, कवर्स करने में हेल्प करता है और कंट्रोल करने में हेल्प करता है, डायरेक्ट वेरी इंटरनल प्रेशर्स को स्टेबल करने में पूरी बॉडी के हमें बोनी सिस्टम हेल्प करता है। बोनी सिस्टम गिव शेप ऑफ द बॉडी, बोनी सिस्टम ही हमें शेप, हमारी बॉडी को शेप देता है। बोन्स प्ले वाइटल रोल इन शेपिंग द बॉडी, इट मे बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्ग और शॉर्ट स्ट्रेचर। ठीक है, एक्ट एज लीवर, बोन्स हमें एज ए लीवर काम करते हैं, हमारा बैलेंस बनाने में काम करते हैं जिसकी वजह से वी कैन डू आवर वर्क इजीली। राइट, पैसिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ लोकोमोशन, बोन्स द पैसिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ लोकोमोशन ऑफ मूवमेंट, लोकोमोशन हम बोलते हैं मूवमेंट को यानी कि मूवमेंट करने में, चलने में, फिरने में, भागने में, दौड़ने में हमें हेल्प करता है। तो दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ द बोन्स। तो इन दिस वीडियो वी लर्न, वी अंडरस्टैंड अबाउट द स्केलेटल सिस्टम एंड बेसिक फंडामेंटल थिंग्स, नॉलेज ऑफ द स्केलेटल सिस्टम एंड टू टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम एंड फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसके क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ये वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। तो एवरीबडी रीड दिस टॉपिक वेरी इज क्लियरली एंड अंडरस्टैंड and make the MCQ multiple choice questions from this topic and note down your notebook. And children, again I am saying to you that your school is going to running and sorry your school is running very smoothly and your syllabus is continue, so everybody please come to school and you have to must to come school regularly on the basis of odd even schedules. So children, be ready for the examination, half yearly examination, and keep study. Thank you very much.